अस्सलाम डिव्यूअर्स, दिस इज मास्क का फाउंडर fastmas.com। डिव्यूअर्स, आज जिस बुक का हम रिव्यू करेंगे दैट इज मेक योर बेड। दिस बुक इज रिटन बाय विलियम एच मैक्रेवन। ही वाज एक्स नेवी सील, यूएस की जो नेवी सील है उसमें काम करते थे और अच्छी पोजीशन में जाकर रिटायर हुए। और ये सारी बुक जो है उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से जो है ना चीज़ें लर्न करके लिखी हैं और इसमें कुछ अच्छे लेसन्स लिखे हैं। लेट्स सी कि उन्होंने इस बुक में क्या फरमाया है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि मेक योर बेड में इन्होंने क्या फरमाया है। इस बुक का जो पहला चैप्टर है मेक योर बेड का, वो मेरा फेवरेट चैप्टर है, बिकॉज इट डिस्कसेस अबाउट द विनिंग हैबिट्स। और जो उसकी हेडलाइन है वो यही है कि स्टार्ट ईच डे विद द टास्क कंप्लीटेड, यानी आपने दिन का आगाज किसी ऐसे काम से करना जो आप मुकम्मल करें, और बेसिकली सेंस ऑफ विक्ट्री या सेंस ऑफ अचीवमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही आपके पास होना चाहिए। तो सील, नेवी सील का जो कमांडर साहब हैं, ये फरमाते हैं कि हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता था कि सुबह सुबह जल्दी उठना और फिर अपने बेड को प्रिपेयर करना, तैयार करना, यानी उसके ऊपर बेडशीट बिछाना, पिलो को अपनी जगह पर रखना, कोल्ड ब्लैंकेट जो भी उसको तय लगा के रखना, तो रिंकल लेस होना चाहिए था। और हमारी वहीं पर आकर इंस्पेक्शन होती थी, और ये टास्क जो 100% कम्प्लीट कर लेता था उसका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था, और जो इस टास्क में फेल हो गया उसका पूरा दिन जो था पनिशमेंट्स में गुजरता था। तो इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट, everyone should adopt it, और it is must do habit कि आप जल्दी उठें और अपने दिन का आगाज़ किसी ऐसे काम से करें जो आपको sense of achievement या success या winning sense या इस तरह की emotions आप में generate करें। being a Muslim, जो हमारा सबसे पहला task होना चाहिए वो सुबह फजर की नमाज है, और उठना, अपने आप को सब्र करके सर्दियों की सख्त सुबह में उठना, फिर जाके वजू करना, फिर नमाज अदा करना, बहुत ज़्यादा करें चाहिए। लेकिन उन लोगों को लिए नहीं, ग्रा नहीं है उन लोगों पे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो हमें नेक बंदा बनना चाहिए। फिर कमिंग बैक टू द बुक, तो ये बुक जो है इसका फर्स्ट चैप्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मेरा फेवरेट है, और देन ये थोड़ी सी ड्रैग हुई एंड फाइनली आखिरी 5-7 चैप्टर्स के अंदर आके बड़ी अच्छी तरीके से दोबारा इन्होंने क्लोजिंग की। तो इन्होंने इसके अलावा जो अच्छे दिए हैं मैसेजेस, नंबर वो ये हैं कि यू कॉन्ट डू एवरीथिंग एट योर ओन, सो यू मस्ट बी सीकिंग फॉर द हेल्प। आप और अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लोगों की हेल्प करनी भी चाहिए और लोगों की मदद मांगनी भी चाहिए, आप सारा कुछ खुद नहीं कर सकते। देन लाइफ इज़ नॉट फेयर, ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, तो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट इट। हर वक्त रोते नाराह करें कि यार मुझे ये नहीं मिला, फलाह नहीं मिला, उसके पास ज़्यादा ताकत है, मेरे पास कम ताकत है, मैं आगे नहीं बढ़ सका। तो लाइफ हर वक्त बदलती रहती है, एवरी सेकंड इज़ अ न्यू सेकंड, एवरी मिनट इज़ अ न्यू मिनट, एवरी वीक इज़ अ न्यू वीक, एवरी डे इज़ अ न्यू डे, एवरी ईयर इज़ अ न्यू ईयर, तो यू नेवर नो के कौन से चैलेंजेस आप पे आ जाएंगे, तो बी स्ट्रॉन्ग। देन इन्होंने कहा कि फेलियर्स कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर इफ़ यू आर फेल्ड, और तो आप उस फेलियर से घबराएं ना, परेशान ना हो, और ट्रू लीडरशिप क्वालिटी यही है कि आप अपनी हार से अपने उस सीखें, यानी गिरते हैं शाह सुवार मैदान जंग में जैसा फरमाया गया, तो अगर आप हारते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसे सीखें कहाँ पे आपने गलती की थी, तो इट यू विल कम बैक एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। देन विदाउट डेयरिंग यू विल नेवर नो व्हाट इज ट्रूली पॉसिबल इन योर लाइफ, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, ठीक है, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू डू सम डेयरिंग थिंग्स इन योर लाइफ दैट विल पुश योर लिमिट्स एंड यू दैट विल पुट यू इन सम हार्डशिप्स, तब भी जाके आपको पता चलेगा कि येस व्हाट इज ट्रूली अचीवेबल, और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आप किस लिमिट्स तक जा सकते हो, आपने उनको यू हैव टू गो बियॉन्ड दोज लिमिट्स, ताकि आप नई से नई चीज़ों को सीखें और नया चीज़ें हासिल करें और एक लेवल अप करें अपना। देन फेस द बुलीज, ये उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि क्योंकि फौज के अंदर जो चीज़ बंदा टास्क कम्प्लीट नहीं करता तो ही हैज़ टू फेस सम बुलीज, वेदर इट इज़ अ स्कूल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और वट एवर वेर एवर इट इज़, और पर्सनल लाइफ हो बंदे की, तो बुलीज से घबराए ना, फेस दोस बुलीज, और अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उनको दिखाएं कि जिस चीज़ का तुम मेरा मेरी जिस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, लो नाउ दिस इज़ माई स्ट्रेंथ, या मेरी वीकनेस नहीं रही। देन होप इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड, यस, नेवर लूज होप। और इसके साथ ही वो फरमाते हैं Never ever quit, कभी हार नहीं मानी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि there are two types of person, one are finishers and other are losers. Finishers means
फिनिशर्स आर ऑलवेज विनर्स एंड दे आर बेसिकली अचीवर्स नो मैटर एट वट पोजिशन यू फिनिश द रेस। अगर आपने क्विट नहीं किया, रेस मुकम्मल की है, यू आर अ विनर। बट अगर आप रेस से क्विट कर गए हो, बेशक आप थर्ड आ रहे थे, फोर्थ आ रहे थे कि यार मैंने नहीं कम्प्लीट करने, मेरी पोजिशन जो है नीचे जा रही है, तो देन यू आर अ लूजर। तो वेदर यू विल बी फिनिशर और वेदर यू विल बी अ लूजर, तो ये आपने डिसाइड करना। नेवर एवर क्विट। एंड इन द एंड ही गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अगेन कि जिंदगी जो है तो कभी एक सी नहीं रहती, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, लेकिन बाज़ अवकात आपकी ज़िंदगी में ऐसी डार्क मोमेंट्स आ जाती हैं, जैसे आपके करीबी रिश्तेदारों का दुनिया से चले जाना और इस तरह की और भी आएंगी, वो फेट है हमारा, किस्मत है, ठीक है। और वो अनहोनी, वो जो है ना, वो के रहने वाली चीज़ें, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो वही मोमेंट्स होती हैं जब ये सारी फेलियर्स, आपकी होप, नेवर क्विट, जो है बुलीज को फेस करना, ये जब अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए सारी चीज़ों को फेस करते हुए, देन आप वो डार्क मोमेंट्स को भी हंस के जी लेंगे, फेस कर लेंगे और वो वक्त गुजर जाएगा। तो ये था इसका ब्रीफ रिव्यू, चूँकि थोड़ी सी ऑफ ट्रैक होती बुक मुझे नज़र आई और एक ही टोन में लिखी गई, उन्होंने अपनी ही ट्रेनिंग को डिस्कस किया है जो विलियम एच मैक्रेवन है। तो मैं इस बुक को रेट करूँगा 6.5 out of 10, ये मेरी रेटिंग है। आप इससे इतफाक कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।